एकता कपूर ने दिया है बयान, क्या कहना है उनका जो उन पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल कुछ समय से चर्चा चल रही है कि हिंदुस्तानी भाऊ ने FIR दर्ज कराई है उनके अल्ट बालाजी एकता कपूर की मदर पर, और उनका ये कहना है कि उनकी जो XXX वेब सीरीज है उसमें इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा है। इन सभी चीज़ों पर अब एकता ने एक प्लेटफॉर्म पर, दरअसल एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर उन्होंने शोभा डे के साथ बात करते हुए इन सभी बातों पर खुलकर खुलासा किया है। वो कहती हैं कि एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर डीपली रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स इंडियन आर्मी। Their contribution to our well-being and security is immense. Yes, we shall readily tender an unconditional apology if such a demand comes from any bona fide army institution. But we won't bow down to uncivilized cyberbullying and threats by random elements. जहाँ उनका ये कहना है कि अगर हमें कोई आर्मी की तरफ से या उनका कोई bona fide organization है वो आगे आकर कहता है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए तो हम मांगेंगे। इंडियन आर्मी के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही हमारे ध्यान में आया, अनकॉन्शियसली हमसे जब मिस्टेक हुई, हमें पता चला, हमने वो सीन डिलीट कर दिए। हमने इंडियन आर्मी की वाइफ से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बाद जो ये सारी चीज़ें होने लग गई, उसके बाद उनका ये दावा है कि उनके खिलाफ जो है साइबर सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत सारी थ्रेट्स आ रही हैं उनके लिए, उनकी 71 ईयर ओल्ड मदर के लिए और उनके बच्चे के लिए। तो उनको लगता है कि इस सारे मामले में उनको बहुत ही ज़्यादा साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा, और उनको लगता है कि अब वो खड़ी होंगी साइबर बुलिंग के खिलाफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हुई हैं उनको वो चीज़ों ने कुछ ज़्यादा ही इरिटेट किया है। एकता कहती है कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो किसी आम लड़की के साथ सोचिए कितना हो सकता होगा। इसीलिए अब मैं इरिटेट हो गई हूँ और मैं इस साइबर बुलिंग के खिलाफ खड़ी होंगी। जो खुद को जेंटलमैन, खुद को ये कहते हैं कि वो पेट्रियोटिक हैं और वो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इस तरह की थ्रेट्स देते हैं, तो आप बताइए कि मैं जो दिखाऊँ वो गलत और वो जो बोले वो सही कैसे हो सकता है। वो ये मानती हैं कि जो उनसे हुआ वो गलती थी, उन्होंने उसे रेक्टिफाई किया है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद जो उनको थ्रेट्स मिल रही हैं, जिस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर आए हैं, वो उससे परेशान हो गई हैं और इस तरह का बयान जो है उन्होंने जारी किया है कि अगर उन्हें किसी बोनाफाइड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की कोई डिमांड आती है तो अनकंडीशनली तुरंत ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं।